हमारे चैनल को आप क्यों सब्सक्राइब करें और क्यों ना करें, इसको सब्सक्राइब करने से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आज मैं इस पर बात कर लूं, क्योंकि 200 के करीब वीडियोस होने वाली हैं, सब्सक्राइबर भी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके अंदर एक इंतशार है और उनके अंदर एक सोच है कि जी ये हम क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम अपना कीमती वक्त क्यों दें, वीडियोस क्यों देखें। तो देखिए, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, तो मैं आपको जल्दी से कुछ फायदे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको होंगे वो बता देता हूं, और जो नुकसान आपको हो सकते हैं वो भी बता देता हूं। उसके बाद आप फैसला कीजिए कि अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप सब्सक्राइबर रहें या ना रहें, या मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, या अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपके अगर काम का ये चैनल है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली चीज के मैं आपको ये बता दूं कि आपको नुकसान क्या होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। सबसे पहला नुकसान तो आपको ये होगा, इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बहुत सारी वीडियोज ऐसी होती हैं जो जाकर जमीर को जगाने की कोशिश करती हैं, जो आपके अंदर का जो आपका सेल्फ रिलायंस है उसे जगाने की कोशिश करती हैं। और जाहिर सी बात है कि किसी शख्स का अगर जमीर जाग जाए तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे तो सबका दुख दर्द महसूस होने लगता है, वो बहुत सारी चीजों से फिर रुकता है, वो बहुत सारी चीजों को अपने लिए गलत समझता है, क्योंकि इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने जमीर से झूठ नहीं बोल सकता। कोई भी चोर चोरी करके दुनिया के हर इंसान के आगे तो वो झूठ बोल लेगा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकेगा, उसके अंदर से आवाज आएगी चोर की कि तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, और उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये है जमीर की आवाज। तो हमारा ये चैनल ये पूरी कोशिश करता है, या मेरी वीडियोस या मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हम अपने जमीर को सोने ना दें, उसे जगाएं ताकि वो हमें बताता रहे कि बेहतरी क्या है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब आ जाए, कुछ फायदे भी हैं जहां कुछ नुकसान हैं। तो फायदे में सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमारा चैनल जो है वो तालीम और तरबियत के ऊपर बात करता है, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात करता है, बच्चों को कैसे डेवलप किया जाए, उन्हें कैसे उस गुलाम सोच से निकाला जाए जो उन्हें एक नौकर बनाने के लिए कोशिश करती है कि वो पढ़ें लिखें और नौकरियां हासिल करें और बस एक 5 to 9 जो है 9 to 5 जॉब करें और बस अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार दें। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा रिसर्च मटेरियल लेकर आऊं जो आपको हेल्प आउट करे अपने बच्चों को डेवलप करने में, जो जिंदगियां आपने गुजार ली वो उससे बेहतर जिंदगी गुजार सके। दूसरा फायदा आपको ये हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कि हमारी वीडियोस में बहुत ज्यादा मटेरियल सेल्फ डेवलपमेंट का होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है, तो ये मटेरियल आपके काम आ सकता है। आप अपने किसी भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपकी घरेलू जिंदगी है, तो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हम वीडियोस बनाते हैं जिसमें बहुत सारा मटेरियल अभी बाकी है जिस पर मैंने वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि ये न्यू चैनल है मेरा, तो इसलिए आपको दो ये फायदे हो गए। तीसरा फायदा आपको ये हो सकता है कि आप अपना जो फ्यूचर है उसके बारे में जो विजन है उसे क्लियर कर लें कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% ये वर्कआउट होने लग जाएगा, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये तीन फायदे हो गए कि आपको अपने फ्यूचर के डिसीजन लेने में हमारा चैनल आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगी कि नाकामियां और कामयाबियां किस तरह से इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं और किस तरह से हमारे आज के फैसले हमारे कल के जो डिसीजन हमारे जो नतीजे हैं उन पर असरअंदाज होते हैं। और चौथा फायदा आपको ये हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के, क्योंकि मैं कॉमर्स से रिलेटेड हूँ और एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, तो मैं बिजनेस के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ अपनी शेयर कर सकता हूँ, जो कि मैंने पर्सनली मैंने बिजनेस किए भी हैं, मैंने करोड़ों का नुकसान भी किया है, फ़ायदा भी किया है, और मैं कभी स्क्रैच टू ज़ीरो भी गया हूँ, कभी ऐसी हालत भी हो गई कि कुछ नहीं जेब में, और कभी ऐसी हालत भी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हासिल कर लिया, तो वो तजुर्बात भी आपके साथ शेयर करूँगा। और पांचवा और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है वो ये है कि मुझे ट्रैवलिंग का क्योंकि शौक है, तो मैं अपनी जो पहले जो लाइफ थी ट्रैवलिंग की वो मेरी पर्सनल लाइफ थी, तो मैं शेयर नहीं करता था, लेकिन अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी हर किस्म की ट्रैवलिंग को व्लॉग की सूरत में रिकॉर्ड करूँगा और वो आपके साथ शेयर करूँगा। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जस्ट एक ट्रैवलिंग होगी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो ट्रैवलिंग के दौरान आपके काम आ सकती हैं, या वो इंटरेस्टिंग जगहें जहां पर आप जाते तो हैं लेकिन वो चीज़ें आपकी नज़रों से छुपी रहती हैं जो कि किसी वजह से आप उन तक नहीं पहुंच सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और एक एतराज़ था कि जी आपकी वीडियो बड़ी बोरिंग होती हैं और आप रियल में जब आप हम आपसे मिलते हैं तो आप इस किस्म के इंसान नहीं हैं। तो देखो यार, सिंपल इज़ दैट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे को कैसे फेस किया जाए, और मैं
मानता हूँ कि जब कैमरा सामने ऑन होता है तो मैं स्केर्ड हो जाता हूँ, और क्योंकि अकेला होता हूँ, सामने ऑडियंस नहीं होती, तो मैं वो वाले एक्सप्रेशन नहीं दे पाता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके आपके साथ एक नेचुरल कन्वर्सेशन टोन के अंदर बात करूं, और जैसा मैं रियल लाइफ में हूं वैसे ही कैमरे के सामने हूं, क्योंकि कैमरे को फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसमें आपका बहुत शुक्रिया। तो ये वो कुछ चीज़ें थी कि आप मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें और क्यों ना करें। अब इसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें या फिर इस चैनल को छोड़ जाएं। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आपको फोर्स नहीं करूंगा, और ना ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ही करें। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब्सक्राइबर ऑलरेडी मौजूद हैं और आपको लग रहा है कि ये बातें मेरे काम की नहीं है तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। और मेरा, और ये भी जहन में रखिएगा कि इस चैनल का मकसद कतन जो है वो मोनिटाइजेशन या व्यूज लेना या वॉच टाइम पूरा करना नहीं है, बल्कि मैं अपनी जो लाइफ है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं रहें सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रहें, और जो खल्क़े खुदा है उसके लिए आसानियाँ मुहैया करते रहें। गौहर युग को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।